जय श्री गणेश। आज की वीडियो में हम बात करते हैं तुला राशि की शत्रु और मित्र राशियों की। आपके कौन से दोस्त सच्चे होते हैं और कौन से दोस्त के रूप में छुपे हुए दुश्मन, ये सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। हम अपनी ज़िंदगी में दोस्तों को बहुत महत्व देते हैं। हमारे हर सुख हर दुख में हम उसका साथ चाहते हैं। आपका नौकरी का संघर्ष हो या ब्रेकअप, एक दोस्त ही ऐसे होते हैं जो हर कदम पर आपका साथ निभाते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, कुछ नए दोस्त आपसे जुड़ते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। कुछ लोग दोस्ती में धोखा खा जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कैसे पहचाने ये कौन असल में आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। सच में दुश्मनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि इंसान आपका दोस्त होने का दावा कर रहा हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षण बताएंगे जिसकी मदद से शायद आप अपने फ्रेनेमी को पहचान पाएं। कौन होते हैं फ्रेनेमी? फ्रेनेमी एक ऐसा शब्द है जो फ्रेंड और एनिमी दोनों शब्दों से मिलकर बना है। वह व्यक्ति जो आपके साथ दोस्त बनकर रहता है लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार दुश्मनों वाले होते हैं। वह आपके सामने तो सुखचिंतक बनने का नाटक करता है लेकिन असल में वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा इंसान हो सकता है। उसके मन में हमेशा आपके लिए ईर्ष्या का भाव रहता है। वह आपके सामने हमेशा सॉफ्ट और पोलाइट रहता है और पीठ पीछे आपकी बुराई का एक मौका नहीं छोड़ता। आपके मुंह पर आपकी बड़ाई और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता रहता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं तो समझ लिए वो आपका दोस्त नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हमेशा आपकी नकारात्मक छवि को पेश करता है दूसरों के सामने। अगर आपका कोई प्रशंसा करने लगे तो तुरंत उसका विरोध करना उनकी फितरत होती है। हमेशा आपकी कमियों को गिनाते रहना और आपकी बड़ाई सुनते उसके चेहरे के भाव बदल जाना, ये उनकी पहचान होती है। उन्हें आपके फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं होती। आपकी किसी सफलता पर खुश होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन ये एहसास ज़रूर करा देते हैं कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आपकी फीलिंग्स की चिंता किए बगैर आपके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, फिर खुद का बचाव करते हुए झूठ भी लेने बोलने लगते हैं। ऐसे लोग एक पल में अपने हाव भाव बदल देते हैं। वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुँचाने का एक मौका भी नहीं गंवाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपके दोस्त में नज़र आते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूरी बनाएं और सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए ये इनका जो राशि चिन्ह होता है तुला, ये उसी की तरह अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं। अच्छे बुरे की पहचान इन्हें अच्छे से होती है। अपने गुस्से पर और फजूल की बातों पर ये अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। इनका स्वभाव आमतौर पर शांत होता है। ये लोगों से अच्छे से निभा पाते हैं। इनके लिए मिथुन, कर्क और कुंभ अच्छी राशियां होती हैं, मित्र राशियां होती हैं। वहीं धनु और मीन, इन राशि वालों से इनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये राशि इनकी शत्रु राशियां होती हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।